आखिर प्रियंका ये सब कैसे प्लान कर रही है? कब से प्लान कर रही है? घर के पेपर्स चुराए कब उसने? हे लड़की, सब इसकी वजह से हुआ है। जब से मुंबई आए हैं जीना हराम कर दिया हमारा। क्या हो क्या आपको? मैंने सोचा थोड़ा माहौल बदलने के लिए अपनी मॉम की एक्टिंग कर लेता हूँ, मेरी बात मिल जाए। सही था, चलाऊं क्या? सब बैंकर जोक्स अपार्ट, सब सही तो हो जाएगा ना बैंकर? कितना कुछ हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा सब कुछ अकेले हैंडल कैसे करूंगा। तुम रहोगी ना साथ? छोड़ के तो नहीं जाओगे मुझे? टूट सकता है भवानी, यही वो नाजुक मौका है जब अम्मू और विराट का रिश्ता टूट सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। ऐसे कैसे, मतलब वो लोग इतने परेशान है पहले से, और मैं जानती हूँ ना घर छीन जाने का मतलब उनका घर, पैसा, इज्जत सब कुछ चला गया। ऐसे में वही तो कह रही हूँ तुझसे, जब इनका सब कुछ चला गया है तो अब इनके पास है क्या हमारी अम्मू को देने के लिए? और मुझे एक बात बता, जब इनके पास सब कुछ था तब कौन सा हमारी अम्मू को रानी बना के रखा था? हाँ, तभी भी तो यही करते थे ना वो लोग। और अब जब वो कंगाल हो गए, सब कुछ छिन गया, तब तो और जीना मुश्किल कर देंगे हमारी अम्मू का। और ऊपर से अम्मू की वो सास बबीता आहूजा अपने पति और बेटे का गुस्सा हमारी अम्मू पे निकालेगी, पिसती रहेगी उन लोगों के बीच में। तो क्या चाहती है, अम्मू नौकरी भी करे, घर भी संभाले? मतलब क्या क्या संभालेगी अम्मू, हाँ सोच तू। अरे तुम भी क्या क्या संभालोगी बैंकर, इतनी मुश्किल से तो तुम और निम्मी वापस आए, और पूरा किडनैपिंग। नहीं, ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये चीजें सॉर्ट नहीं हो जाती तुम्हें यहीं रहना चाहिए मियां के पास। सही कहा, मैं और भवानी भी यही चाहते हैं। हम दोनों नहीं चाहते कि अमू तुम्हारे साथ जाए। एटलीस्ट तब तक जब तक तुम लोगों को कोई रहने की अच्छी जगह ना मिल जाए, है ना भवानी? हाँ विराट।